नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका अपने चैनल कुक एंड टूर विद निधि में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ब्रेड रोल, जो कि बहुत ही हेल्दी तरीके से हम बनाएंगे, जो कि बिल्कुल जीरो ऑयल के साथ है। ये बनाने में बहुत ज्यादा आसान होता है। इसे आप सुबह के नाश्ते, शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पे 8 पीस ब्रेड लिए हैं, जो कि ब्राउन ब्रेड का यूज कर रहे हैं। कि हम पहले बताए थे हम हेल्दी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हम 5 आलू लिए थे, जिसे उबाल कर अच्छी तरीके से मैश कर लिए हैं। थोड़ा सा हमारे पास मटर है, गाजर है, थोड़ा सा हमारे पास लहसुन है और अदरक है, जिसे हम खलबट्टी की सहायता से अच्छे से कूच लिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्च है, जिसे छोटे छोटे में कट कर लिए हैं, और 1 बड़े साइज का प्याज था, जिसे स्लाइस में कट कर लिए हैं। मसालों में मैं यहाँ पे 1 तेज पत्ता लिए हैं, 1 चम्मच हमारे पास जीरा है, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर है, 1/2 चम्मच यहाँ पे हम धनिया पाउडर लिए हैं, 1 चम्मच यहाँ पे हम हल्दी पाउडर लिए हैं, 1 चम्मच यहाँ पे हम गरम मसाला लिए हैं, 1 चम्मच यहाँ पे दोस्तों हम नमक लिए हैं। नमक आप स्वाद के अनुसार रखिएगा। 1 ही चम्मच हम यहाँ पे जीरा पाउडर लिए हैं और 1/2 चम्मच यहाँ पे हम काली मिर्च पाउडर लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई में सबसे पहले सरसों का तेल डाले हैं, इसमें हम 1 तेज पत्ता डाले हैं और जीरा डाल दिए। अब इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन डाल देंगे और मिर्च को डाल देंगे और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से आ सके। हम इसको पेस्ट नहीं बनाए थे अदरक लहसुन का, क्योंकि जो दरदरा होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद इसमें हम प्याज को डालकर अच्छी तरीके से भून लिए थे। उसके बाद हम मटर डाल दिए थे, अब इसे भी अच्छी तरीके से हम भून रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएंगी तो इसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे। गाजर भी थोड़ा बहुत हम पकाएंगे दोस्तों, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। देख सकते हो आप, मटर जो है काफ़ी अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम एक एक करके सारे मसाले डाल देंगे। तो मसाले दोस्तों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको कम मसाले खाने हैं तो मसालों का क्वांटिटी आप कम कर सकते हो, अगर ज़्यादा खाना है तो आप मसालों की क्वांटिटी इसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब सारे मसालों को डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। तो आप देख सकते हो मसाले काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब इसमें हम मैश किया हुआ आलू डालेंगे। तो ये आलू की क्वांटिटी 8 ब्रेड के हिसाब से दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर आपको क्वांटिटी के हिसाब से बनाना है तो आप थोड़ा सा आलू कम कर दीजिएगा। करीब 8 ब्रेड के लिए आप 3 आलू ही यूज़ करिएगा, उसे अच्छे से मैश कर लीजिएगा। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिला लिए हैं। तो देख सकते हो आलू जो हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे और फ्लेवर हरा धनिया का अच्छा आ सके। तब इसे ठंडा होने देंगे, तब तक हम ब्रेड को कट कर लेते हैं। तो हमारे पास ब्रेड है, तो सबसे पहले साइड का पार्ट हटा लेंगे ब्रेड का। साइड का पार्ट रहता है दोस्तों तो ये टाइट हो जाता है और अच्छा नहीं बनता है। आप साइड के पार्ट को हटा के फेंकिएगा मत, उसे आप दूध के साथ पोहा बनाकर इसका यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हम अच्छी तरीके से ब्रेड को कट कर लिए हैं। तो सारे ब्रेड के साइड का पार्ट हम अच्छे से निकाल लिए हैं। जैसा कि हम पहले बताएं, इसका आप पोहा बना ले सकते हैं, दूध के साथ खा सकते हैं। अब हम ब्रेड को बेलन की सहायता से अच्छी तरीके से बेल लेंगे, ताकि ये थोड़ा पतला हो सके। जब हम इसके आलू की स्टफिंग करें तो ये अच्छे से हो सके। इस पर हम आलू डाल रहे हैं दोस्तों, तो आप करीब 1 से 1.5 चम्मच आलू डाल सकते हो, जितना भी आपको सुविधा लगे कि हाँ इतने आलू आए तो आप उतना ही आलू इसमें डालिएगा। उसके बाद हम इसे अच्छे से सेट कर इसे गोल घुमा देंगे और एक साइड में दोस्तों हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे, ताकि ब्रेड जो है वो अच्छे से चिपक जाए। और हाँ दोस्तों, आपको ये रोल बनाने में ब्रेड आपके टूट भी सकते हैं साइड में। कभी कभी होता है ब्रेड ज़्यादा पतला हो सकता है, तो टूटने के चांसेस भी होते हैं, बट उससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसे हमें तवे पर सेकना है तो ये काफ़ी अच्छे से सिक जाता है और काफ़ी कुरकुरा बन जाता है, क्योंकि जीरो ऑयल के साथ हम इसमें बना रहे हैं। अब यहाँ कढ़ाई में हम देसी घी डाले थे, इसमें हम 1 साथ 4 ब्रेड को डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा तेल घी आपको नहीं डालना है। आप जिस भी फ्लेवर का घी वो या तेल खाना चाहते हो आप उसे डाल सकते हो। अब ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे। देसी घी दोस्तों हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए हम देसी घी में ही ब्राउन ब्रेड का यूज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। आप देसी घी की जगह पर चाहो तो दूसरा ऑयल भी यूज कर सकते हो। अब एक साइड से हम इसे पलट देंगे, तो आप देख सकते हो एक साइड से ये कितना कुरकुरा बन रहा है। तो चारों साइड से आपको इस तरीके से पलटते हुए आपको अच्छे से सेक लेना है और बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा सा घी लगाते रहना है, ताकि ये चारों साइड से अच्छे से सीख सके। तभी आप देख सकते हो ये चारों साइड से कितने अच्छे से सीख गया है। आइए हम आपको एक उठा के दिखाते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से सीख गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुरकुरा हो गया है। तब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम अपने सारे रोल को सेक लेंगे। तो ये देखिए रोल देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और ये सीखा भी बहुत ज़्यादा अच्छा और कुरकुरा है। तो इसे आप सुबह के नाश्ते, शाम के नाश्ते में बना सकते हो। इसे आप बच्चों के टिफिन में बनाकर दे सकते हो। ये बहुत ज़्यादा आसान होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। इसे आप घर पे बना के जरूर ट्राई करिएगा। इसे आप टोमेटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।
जिस भी फ्लेवर की आपको चटनी पसंद है, हरी चटनी, टोमेटो केचप, उस फ्लेवर की चटनी के साथ इसे सर्व करिए। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। जब भी कोई मेहमान आए तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो उम्मीद है कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई। ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।